एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्भर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख स्वरूप तख्त चवर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके महापुरख ब्रह्म ज्ञानी शूरवीर महाबली योधे धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का सीना स्वरूप धन धन बाबा विधि चंद साहिब जी की अंश वंश सचखंड वासी महान परोपकारी महापुरख संत बाबा दया सिंह साहिब जी दे सपुत्र बहुत ही सन्मान योग संत बाबा गुरबचन सिंह जी और वड्डे माता जी माता दया कौर जी उन्हां दी रहनमाई हेठ आप जी बाबा जी वल्लों पिछले लंबे अरसे तो लगभग जिवें सत्कार योग ज्ञानी जी दस रहे सन कि दो महीनियां तो लैके गुरबाणी दी लड़ी दा प्रवाह इस स्थान ते चलदा आ रहा सी और संगतां नाल नाल कीर्तन कथा दे ना समागमां दे विच आ के हाजरियां भरदियां रहियां और अज इन्हां मुख समागमां दे विच तुसी देख रहे हो बहुत वड्डी गिणती दे विच संगतां हाजरी भर के सत संगत करके मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफल कर रहियां हन। धन श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन चरणां विच खडूर साहिब जी दी धरती ते सतगुरु जी दे अनन प्यारे गुरसिख भाई कदारी जी प्राचीन सिखां दी भगत माला दे अंदर भी ये सारा प्रसंग अमर शहीद धन भाई मनी सिंह जी ने आप लिखिया और धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे नामी सिखां विच्चों भाई कदारी जी दा जिक्र भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी विच बारां भाई गुरदास कियां दे विच कीता है। सतगुरु जी दे चरणां विच दीवान सजिया होया है तां भाई कदारी जी सतगुरु जी नूं नमस्कार करके हथ जोड़ के बेनती करन लगे सच्चे पातशाह संसार अंदर दुनिया अंदर अग लगी हुई है ये महाराज इस अग तो शीतलता किवें प्राप्त होवे।
भाई साहब का कथन से जिमें हजूर ने गुरबाणी का फुरमान किया है हंस हेत लोभ को पचारे नदियां अग हंस नाम काम का है। काम का रंग बड़ा उज्जल मनिया है साडे ग्रंथकर्ता ने ते सतगुरु महाराज जी ने उस तो हंस का अर्थ लैके गुरबाणी की जो आप गहराई दे विच जांदे हाँ ता गुरबाणी दे जिहड़े सिद्धांत अर्थ भरपूर विचार हैं वो बहुत डंगियाई वाले हैं। इस करके हंस तो लिया है काम और हेत तो लिया है मोह। हंस हेत लोभ कोप लोभ लालच पदार्थां दा और कोप क्रोध ये चारे अग दियां नदियां वग रही हैं। सत संगत जी गुरबाणी विच सतगुरु जी का फुरमान है आतुष दुनिया खुनक नाम खुदाया। दुनिया अग दा गोला है। एक परमेश्वर वाहिगुरु का नाम फारसी दे विच खुनक नाम ठंड पाउण वाला शीतलता देण वाला एक वाहिगुरु का नाम है। दुनिया विच जिथे मर्जी वेख लो जिन्हों मर्जी कोई भी गल कर लो अज दुनिया विच चारे पासे जिहड़ी अशांति फैली हुई है वो तुसी वेख रहे हो कि सारे पासे अग बढ़ रही है। जिहदे नाल मर्जी गल कर लो एक सकेंट विच अग दी चंगियाड़ी क्रोध दी चंगियाड़ी भड़क जांदी है। इस करके सिख ने बेनती की महाराज काम क्रोध लोह मोह दियां ये अग दियां नदियां वग रही हैं और इन्हां विच जी पै पै के सड़ रहे हैं। संसार विच शीतलता किवें प्राप्त होवे ठंड किवें प्राप्त होवे शांति किवें मिले ता सतगुरु जी ने बड़ा सुंदर समझा के उत्तर दिता सी। कहन लगे भाई कदारी जदों जंगल नूं अग लगदी है तां जंगल दे विच जिन्नी बनस्पति बिरछ आदक हुंदे आ घा आदक वह जंगल दी डौं अग्नि सारिआं नूं साड़ के सुआह कर दिंदी है। उस अग दी लपेट विच कोई जीव जंतु मनुख प्राणी मात्र कोई आ जाए सब नूं साड़ के भस्म कर दिंदी है। उस अग तों उह जीव बच जांदे आ जिहड़े दौड़ के नदी आदक दे विच जाके प्रवेश कर जांदे है। उन्हां नूं ओ नदी दा ठंडा शीतल जल देना है उन्हां दी तपश तों अग तों रख्या करके उन्हां नूं ठंडक दिंदा है। और नदी दा संबंध समुंदर दे नाल भी है। जिहड़ा पानी जिहड़ी वस्तु नदी विच पै जांदी है ओह समुंदर दे विच चली जांदी है। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲੇਖੇ ਕਾ ਲਹਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ
हरी दी कीर्ति करनी, हरी दा जस सुनना, सत संगत दे विच बैठ के सुनना, यह सब तो श्रोमणी कर्म है, सब तो उत्तम कर्म है। इस कर्म नालों होर कोई वड्डा शुभ कर्म नेक कर्म नहीं है। अब रिकॉर्ड तेरा कितै ना काम, मिल साध संग भज केवल नाम। कबीर साहब जी ने सत्संगत की महिमा करदिया बड़ा सुंदर गुरबाणी विच फुरमान किया है, कबीर एक हरी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। संगत दे विच थोड़े तो थोड़ा समा भी, घड़ी नालों अद्धा समा, फिर अद्धे तो भी अद्धा समा, दो ढाई मिनट का समा भी जेड़ा प्राणी सत्संगत दे विच आके बैठ जाता है, उसनू सब तो वड्डा पुन, सब तो वड्डा फल जीवन विच साध संगत जी प्राप्त हो जाता है। इस करके सत्संगत की महिमा है। सतगुरु कहन लगे भाई संगत रूप नदी दे विच आके जेड़ा प्राणी बैठ जाता है, पैठ शब्द वरत्या प्रवेश कर जाता है, उनू फिर संसार की अग नहीं व्यापती, संसार की अग नाल सड़दा नहीं है, उदा मन शीतल हो जाता है, तन शीतल हो जाता है, हिरदा ठंडा ठार हो जाता है। भाहे बुलंदरी बुझ गई जपंदड़ो हर नाम। उन्हां दे हिरदे विचों हर तरह दियां अग्गां बुझ जांदियां हन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दियां, यह सारी अग उन्हां दे हिरदे विचों बुझ जांदी है और उन्हां नूं शीतलता प्राप्त हो जांदी है। जिहड़े संगत विच आ के वाहिगुरू का जस सुनदे आ और करदे हन, जिवें नदी का संबंध समुंदर दे नाल है, संगत रूप नदी विच बैठण वाला जिहड़ा जग्यासु है ना, उहदा संबंध किहदे नाल जुड़दा, गुरु समुंद नदी सब सिखी नहातै जित वडियाई, गुरु रूप समुंदर दे नाल सत संगत रूप नदी जिहड़ी है उस प्राणी नूं जोड़ दिंदी है, और नाम रूप जल दे विच इशनान करन दे नाल जन्मां जन्मां दियां जिन्नियां पापां दियां मैलां उह सारियां धोतियां जांदियां हन, सारियां लह जांदियां हन। इस करके धन गुरु अंगद देव जी कहन लगे भाई कदारी जी, तुसीं वक्त कढ के समा कढ के सत संगत करिया करो, सत संगत दे विच जरूर जाया करो, ता कि तुहाडा जीवन सफल हो जाए। संगत करनी भी और संगत लई विशेष उद्यम करवाउणा, जिवें महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी सुर सिंह वालिया ने बहुत वड्डा उपराला किया होया है कि कितने दिनों तो सत्संगत दे दीवान सत्संगत दे समागम इत्थे चल रहे है। पहला धन बाबा विधि चंद साहब जी का वो अस्थान भट्ट साहिब, उत्थे भी लगातार कई दिन बाबा जी वालों सत्संगत का प्रवाह चलाया गया। जदों धन बाबा विधि चंद साहिब जी भाई अदली जी दे राही धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में आए, गुरसिखी धारण की, एक दिन धन गुरु अर्जन देव साहब जी बहुत प्रसन्न होए, भाई विधि चंद साहब जी ने अपने पास बुला के कहन लगे, भाई विधि चंद तू तुरकी बाणी बिलावल महला पंजवा ताती वाउ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, गुरबाणी दे नितनेम तो अलावा इस शब्द का जाप करिया कर, छेवे जामे विच तेरे तो बहुत कठिन सेवा लवांगे और ये शब्द का अभ्यास तेरी रख्या करेगा। अंतरजामी सतगुरु महाराज जी ने आने वाला भविख वाचद्या होया भाई विधि चंद साहब जी नूं ये महान शब्द की दात अपने मुखार बिंद तो बख्शिश की। जदों बाबा विधि चंद साहब जी बलदे भट्ठ विच बैठन लगे तो उन्होंने उस वक्त शब्द का पाठ आरंभ कर लिया,
बिलावल महला पंजवा ताती वाउ न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। और सात संगत जी गुरबाणी का फरमान है, गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाहे न साके डाले। जिन्हां दे हिरदे विच गुरु का शब्द वसदा है उन्हां नूं पानी डबो नहीं सकदा, अग साड़ नहीं सकदी। और परमेश्वर उन्हां दी हर तरह करके रखिया करदा है। और बाबा जी दी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप रखिया कीती। छेवें पातशाह आप उदों डरौली नगर दे विच सुभाएमान सन, अपने सेवक भाई साईं दास दे पास हुक्म कीता, जल्दियां गागरां भर भर के साडे शरीर उत्ते पाओ। पाई गए सिख संगत ने पुछया, महाराज आप जल्दियां गागरां क्यों पवा रहे हो? कहण लगे भाई विधि चंद बल दे भट्ठ विच बैठा उहदी रक्षा कर रहे हैं कि उहदे रोम तक भी उहनूं सेक ना लग जाए। सो साध संगत जी जिथे मेरा सतगुरु बाहरों साडे तन की रक्षा करदे हो, उह अंदरली भी जिहड़ी वकारां की अग है ना, उह सतसंगत दे विच बैठण लई, बैठण दे नाल ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਠਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां महापुरखां तो लैके इस जथेबंदी दा दमदमी टकसाल दे नाल अथाह प्यार है। जदों मंगल बदल दिते गए ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मंगल अगे पिछे कर दिते गए, साध संगत जी उन्हां मंगलां नूं सही थां ते रखण वास्ते जो ब्योंत धन गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी द्वारा बनाई सी, और धन भाई मनी सिंह जी बाबा दीप सिंह जी द्वारा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप दसम पिता जी ने आप लिखवाए सन, जो ओ मंगल जिथे जिथे रखे सन उन्हां नूं उसे स्वरूप विच रखण वास्ते उदों संत समाज नूं 13 साल लगातार आवाज बुलंद करन लई संघर्ष करना पिया। 13 साल संत समाज दी बहुत वड्डी एकत्रता होई, और संत बाबा सोहण सिंह जी, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी नूं भरी एकत्रता दे विच कहण लगे, कहिंदे महापुरखो मंगलां नूं ठीक रखना, गुरबाणी दे असली स्वरूप नूं जो सतगुरु महाराज जी ने हुक्म कीते उसे थां संभाल के रखना, यह जिम्मेवारी तुहाडी है, दमदमी टकसाल दी है। इस करके यह विद्वानां दी जथेबंदी है। कलगीधर पातशाह जी ने इस जथेबंदी नूं गुरु घर दी ब्रह्म विद्या दा अमोलक खजाना बख्शिश कीता है। इस करके मंगलां नूं जो सही फैसला ओ तुसी सारिआं ने करना, सानू हुक्म करो कि जिहड़े व्यक्ति मंगलां दे विच तब्दीली कर रहे है, जे ओह बाज नहीं आउंदे तां दसो उहनां दे सिर कदों लाईए ते कदों उहनां नूं इस गल दी सजा देईए। इन्ना सत्कार, इन्ना प्यार महापुरखां दे नाल साध संगत जी अपने आप की कुरबानी देने वास्ते भी तैयार बुर तैयार अठे पैर वह महापुरख रेंदे सन। इस करके महापुरख संत बाबा सोहण सिंह जी जिन्होंने बहुत वड्डा सहयोग संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा, फिर महापुरख दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सठखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा बहुत वड्डा सहयोग दिता। कदम नाल कदम मिला के महापुरखां दे नाल चलदे रहे और पूरा डट के हर समय साथ दिंदे रहे।
और उस तो बाद दमदमी टकसाल के 14वें मुखी महापुरख अमर शहीद संत ग्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जदों नरक धारियां नाल जदोजहद 13 अप्रैल 1978 तो आरंभ हुई। नरक धारियां दा नकली गुरु डम दाडा जो अमृतसर साहिब नरक धारियां दा भवन सी उस नूं बंद कराउण दे विच महापुरख बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले आप उत्थे महापुरशां दे नाल पहुंचे और उन्हां पंज महापुरखां दे विच जिन्हां नूं पंथ ने सेवा लाई सी महापुरख संत बाबा दया सिंह जी, संत बाबा उत्तम सिंह जी, जथेदार मोहन सिंह जी तोड़ और संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले और संत बाबा बिक्रमाजीत सिंह जी श्री अमृतसर साहिब वाले उन्हां पंजां विच भी महापुरख बाबा दया सिंह जी ने आप पहुंच के उस संघर्ष दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया और जदों जदों समा आया आप जी ने महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी का पूरा सहयोग दिता और महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी का भी सहयोग दंदे रहे। कहण तो भाव ये जथेबंदी दमदमी टकसाल दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के हमेशा सेवा करती आई है पंथ की और हुण सत्कारयोग संत बाबा गुरबचन सिंह जी बहुत वड्डी सेवा हमेशा दमदमी टकसाल नाल अगे वध के हर तरह का सहयोग दिंदे है। सो भाई आप संगतां दे विच बहुत वड्डियां धार्मिक हस्तियां संत महापुरख बैठे है। मैं समा ज़्यादा ना लवां, आओ सतसंगत दे इन्हां दीवानां विच तुसीं जुड़ के लाहा लै रहे हो। वध चढ़ के आप जी जिन्हां माइयां भाइयां ने अजे तक खंडे बाटे दा अमृत नहीं छकिया अमृत छको। जिहड़े नशियां दा सेवन करदे आ नशियां दा त्याग करो। जिन्हां ने केस कटाए आ साबत सूरत केस रखो। पूरे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के अपना जीवन सफल करो। स्टेज दे उत्ते सिख पंथ दे प्रसिद्ध विद्वान बहुत ही सन्मान जो धन बाबा विधि चंद साहब जी की अंश मंस एक कोई परिवार है साध संगत जी एक कोई परिवार का यह मुढ़ नगर सुर सिंह ही है और धन बाबा विधि चंद साहब जी का ही परिवार है सारा। इस करके बाबा बंता सिंह जी भी धन बाबा विधि चंद साहब जी के अंश मंस हैं। बाबा शोभा सिंह जी बाबा लक्ष्मण सिंह जी और इधर महापुरख बाबा सोहन सिंह साहब जी बाबा दया सिंह जी ये सारे महापुरख एको ही परिवार का एको ही साध संगत जी खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी एको ही परिवार है। इस करके सतगुरु ने बड़ी कृपा की है धन बाबा विधि चंद साहब जी दी बख्शिशा कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की अपार बख्शिश है। सत्कारयोग पंथ के महान विद्वान संत बाबा बंता सिंह जी मुंडे पिंड वाले उन्होंने भी तुहाडे दर्शन करने हैं। नानक सर कलेरा संप्रदाय तो संत बाबा हरी सिंह जी संत बाबा सुखविंदर सिंह जी साध संघ जी मलकपुर वाले होर भी बहुत हस्तियां संगत विच बैठिया हैं। सो दास अपने विचारां नूं इत्थे ही संकोचदा होया मैं पूजनीक माता माता दया कौर जी जिन्हां दी इस जथेबंदी लई परिवार लई बहुत वड्डी कालना बहुत वड्डी सेवा मैं बाबा जी वेले वड्डे महापुरखां वेले दर्शन करदा रहा। माता जी बहुत वड्डी रात दिन सेवा निभाउंदे रहे है। हुण भावें शरीर बिरध हो गया फिर भी माता जी सेवा दे विच हमेशा तत्पर रहिंदे है और परउपकारी जीवन है माता जी दा। पिंडां दे विच इलाके विच कोई मसला आउणा माता जी ने बैठ के सारे मसलियां दे हल कराउणे बाबा जी दी आग्या विच। सो परउपकार करन वाली आत्मा और बाबा जी दे तां माता जी हन। सो साध संगत जी माता दया कौर जी बाबा गुरबचन सिंह जी बाबा जी दे दामाद भाई साहब भाई अंग्रेज सिंह जी बैठे है। सो सारे परिवार का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भुला चुका खिमा करनी आ
आप संगत ने इसे तरह ही सतगुरु महाराज जी दे दर घर दी सेवा करन दा बाल उद्यम बख्शिश करना इतनी हाजरी प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।